Prasanna Acharya, please take 3 minutes only. 3 minutes. Only 3 minutes. Thank you, Bodhi. आज इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मेरा श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहूँगा। सब 42 का जो भारत छोड़ आंदोलन, उस समय अगस्त 8 तारीख बॉम्बे में हमारे AIADM के फ्लोर लीडर बता रहे थे, जो गांधी जी का भाषण था, मैं भी उस भाषण का कुछ अंश कोट करना चाहूंगा। एंड आई कोट, आई बिलीव दैट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देर हैज नॉट बीन ए मोर जेन्युइनली डेमोक्रेटिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम देन आवर्स। हमारा आंदोलन आजादी के लिए, इट वॉज ए डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एंड नोवेयर दैट स्ट्रगल हैपेंड इन द वर्ल्ड। But it is my conviction that as much as these struggles were fought with the weapon of violence, they failed to realize the democratic ideal. In the democracy which I have envisaged, a democracy established by non-violence, there will be equal freedom for all. Everybody will be his own master. It is to join the struggle for such democracy that I invite you today. Once you realize this, you will forget the differences between the Hindus and the Muslims, and think of yourselves as Indians only engaged in the common struggle for independence. तो ये जो आज़ादी का लड़ाई, इसका जो values था वो 3 values था। हमें प्रजातंत्रिक देश बनाना है, democracy, non-violence, अहिंसा और सर्वोपरि सर्वधर्म समन्वय secularism। 3 बातें सर। सरद जाजिम बता रहे थे कि इतिहास से सबक सीखना चाहिए। अभी भी कभी कभी लगता है कि हम इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं। जिस प्रजातांत्रिक भारत बनाने के लिए हमारे देश के लाखों और करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, गांधी जी के नेतृत्व तले, सुभाष जी के नेतृत्व तले, 28 साल बाद साथ हम इतिहास से सबक नहीं सीखा, इस वैल्यूज को हमने भूल गया। और भारत छाड़ आंदोलन का क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण जी को बुढ़ापे में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना पड़ा 1975 में। ये लोग सर सरकार में थे, आज विपक्ष में हैं। ये भाई लोग विपक्ष में थे, आज सरकार में हैं। इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वैल्यूज को आप भी फिर मत भूलिए, आप भी मत भूलिए। सर, गांधी जी का सपना था एक सांप्रदायिक विहीन भारत गठन करना। आज मैं सुन रहा था कि कभी कभी भाई लोग बोलते हैं हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अभी तृणमूल कांग्रेस का भाई बड़ा इमोशनल होकर बोल रहे थे, बीजेपी भगाओ, भारत बचाओ या बंगाल बचाओ। ये प्रजातंत्र है, यहां कांग्रेस भी रहेगा, यह भारतीय जनता पार्टी भी रहेगा। हमें अगर चाहिए, किसी से मुक्ति चाहिए, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमको चाहिए, सांप्रदायिक मुक्त भारत हमें चाहिए, भेदभाव मुक्त भारत हमें चाहिए। इस दिशा में आज हमें काम करना चाहिए सर। तो इसीलिए आज ये अवसर है, ओके प्लीज, जब हम प्लीज आंदोलन का 75वां वर्ष मना रहे हैं, 3 मिनट आइए हम सब मिलकर के यहाँ जितने बैठे हैं, ओके, जिस आजादी के सेनानियों ने हमें इस सदन दिया है, जिनके कुर्बानी पर हम यहाँ बैठे हैं, पार्लियामेंट है, ओके, और न केवल इतना ही, हिंदू दुनिया का सबसे बेहतर संविधान जिन्होंने हमें दिया है, ओके, वही स्वाधीनता से, ओके, स्वतंत्र सेनानियों ने, ऑलराइट, आज यह आह्वान है वक्त का, ओके, हम सब मिल करके आइए, नाउ श्री वीर सिंह, सांप्रदायिक हिंद भारत, ओके, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बनाएं।